आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए बड़ी अच्छी खबर है, जल्दी अंबेडकर नगर में 1408 जोड़ों के हाथ पीले किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए, 51,000 का अनुदान भी दिया जाएगा। खबर देखिए, मोटो जीपी एनसीआर को देगा 1,000 करोड़ का कारोबार, कंपनियों के साथ राउंड टेबल मीटिंग से मिलेगा निवेश, दुनिया में दूसरे नंबर पर है फैन फॉलोइंग। और मोटो जीपी में कई अनोखे मोमेंट्स भी हमें देखने को मिले। देखिए जापानी के बाद स्पेनिश राइडर की रेसिंग बाइक क्रैश हुई, 100 मीटर तक घसीट दी गई बाइक भी, गलत नक्शे पर मोटो जीपी ने मांगी माफी। ये देखिए आप कुछ और तस्वीरें मोटो जीपी के अनोखे मोमेंट की, सुपरफास्ट रफ्तार में बाइक रेसर्स होड़ में लगे हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया, नवरात्रि दशहरा व दिवाली पर न्यायालय शटडाउन, अनुरक्षण के कार्य से पहले पूरा करने का आदेश है। बिजली विभाग को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति के लिए योगी आदित्यनाथ द्वारा आदेश जारी किया गया कि त्योहारों के मौके पर बिजली की कटौती ना की जाए, है ना। और वही देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, अब गाय सिर्फ बच्चिया देगी, भैंस सिर्फ पड़िया जनेगी, मतलब भैंस के भी पाड़ी होगी और गाय के भी बछड़ी होगी, खेलडी जिसे अपन कहते हैं ना साधारण भाषा में। दुधारू पशुओं के लिए योगी सरकार की तरफ से निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाएगा, जिसमें सिर्फ बछिया और पड़िया ही जन्म लेगी। ये मतलब एक नई तकनीक विकसित की है उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिकों ने मिलकर, जिसे योगी सरकार किसानों तक पहुंचाएगी। और वही खबर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का दौरा किया, उन्हें देखने भीड़ उमड़ी, 1551 करोड़ की टोटल मेगा परियोजनाओं की सौगात भी दी। ये देख सकते हैं पीएम मोदी की गाड़ी में सीएम योगी भी बैठे हुए नजर आए। और वाराणसी में पीएम मोदी ने भगवान शिव की थीम पर बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की भी आधारशिला रखी। ये देखिए जरा इसका डिजाइन, कभी देखा कि ऐसा डिजाइन क्रिकेट स्टेडियम का, त्रिशूल जैसी फ्लाइट्स, घाट नुमा सीढ़ियां, डमरू जैसा पवेलियन, ये है वाराणसी स्टेडियम की खासियत। भगवान महादेव भोले शंकरनाथ को समर्पित इस स्टेडियम का पूरा नजारा ही आपको शिवालय के नुमा दिखाई देगा। ये देखिए जरा महादेव को समर्पित स्टेडियम की कुछ खासियत, इसके चारों तरफ बाउंड्री पर आपको बिल्व पत्र की तस्वीरें 3D में उकेरी हुई नजर आएगी, जो कि भगवान शिव शंकर को चढ़ाया जाता है। और इस जस्ट सामने बड़ी डमरू नुमा आकृति दिखेगी, जो कि इस स्टेडियम का मीडिया सेंटर होगा। और त्रिशूल जैसी फ्लड लाइट्स भी ऊपर लगाई गई है, जो रात के समय स्टेडियम को जगमग कर देगी। दूर से ड्रोन व्यू में कुछ यूं दिखाई देगा, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बड़ा ही विशाल है। इस दौरान पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी पीएम मोदी को खास तोहफा दिया, 330 करोड़ की लागत से ये वाराणसी में स्टेडियम बनेगा। देखिए स्टेडियम का उद्घाटन करते दौरान मंच पर तस्वीर, पीएम मोदी को सचिन तेंदुलकर ने नमो वाली जर्सी भेंट की, तो सबका ध्यान उस ओर खींच गया। और दोस्तों इस स्टेडियम का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी बोले कि एक शिव शक्ति का स्थान हमारे चंद्रमा पर है और दूसरा स्थान अब यहाँ काशी में बन गया। प्रधानमंत्री ने कहा खेलों को लेकर समाज की सोच अब बदली है। पीएम मोदी बोले जो खेलेगा वही खिलेगा। और पीएम ने कहा कि 3 गुना बढ़ाया गया खेल बजट, बोले ये पूरे पूर्वांचल का बनेगा सितारा, युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि खेल और खिलाड़ियों को लेकर लोगों की धारणाओं में अब बदलाव आ रहा है। और न सिर्फ ये क्रिकेट स्टेडियम बल्कि दोस्तों श्रमिकों के बच्चों को भी बड़ी सौगात दी पीएम मोदी ने, और वर्चुअल माध्यम से गोंडा समेत 16 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया, जहां श्रमिकों के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल पाएगी। मुफ्त शिक्षा के सभी बच्चे हकदार हैं, तो सबको शिक्षा मिलेगी, उत्तम शिक्षा मिलेगी। अटल आवासीय विद्यालयों में न सिर्फ शिक्षा बल्कि उनके रहने करने के लिए हॉस्टल, छात्रावास वगैरह की व्यवस्था भी योगी सरकार खुद करेगी। श्रमिकों के बच्चों की प्रतिभा को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पीएम मोदी खुद भी हैरान हो गए। है ना, तो कुछ यूं दौरा रहा पीएम मोदी का वाराणसी का। वैसे आपको बता दूं वाराणसी वासियों के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर है, वाराणसी से राजस्थान जयपुर के बीच सीधी फ्लाइट सेवा जल्द ही शुरू होने जा रही है। बुकिंग शुरू हो चुकी है, 29 अक्टूबर से ही अगले महीने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जयपुर तक सीधी उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। स्पाइस जेट कंपनी की तरफ से इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया। चलिए बड़ी खबर है, बिजली की आपूर्ति की कोई समस्या है अगर आपके घर में, मोहल्ले में, आसपास कहीं पर भी, तो तुरंत सूचित कर दें। आजकल घर घर अभियान चलाया जा रहा है बिजली अभियंताओं की टीम के द्वारा। आना और बड़ी खबर देखिए, गाइड आपका असली है या फर्जी, शुरू हो रही एक नई व्यवस्था, QR कोड वाले ID कार्ड और लोगो वाली जैकेट से होगी पहचान। दरअसल आगरा ताजमहल वगैरह में जब आप कभी घूमने जाते होंगे तो आपको पता होगा जो गाइड मिलते हैं आपको घुमाते हैं, सारी चीजें बताते हैं कि कहां क्या किसका क्या डिटेल है ना, तो वो गाइड असली है या कोई नकली तो नहीं है, कोई डुप्लीकेट आदमी तो नहीं है, अब इसकी पहचान आप खुद तुरंत कर पाएंगे। गाइड को पर्यटन विभाग की ओर से तैयार QR कोड वाले ID कार्ड और आगरा के लोगो वाली विशेष डिजाइन की जैकेट पहननी होगी। है ना, आगरा में ये नया नियम लागू हो चुका है, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं प्रशासन की ओर से। चलिए अगला अपडेट है, बस से नोएडा का सफर अब महंगा होगा, 82 रुपए तक किराया बढ़ चुका है। यमुना एक्सप्रेसवे पर जेवर से रास्ता बदलने से 62 किलोमीटर दूरी बढ़ी है, जिस वजह से बसों वालों ने किराए में भी बढ़ोतरी कर दी है। अब यात्रियों को 340 की जगह 422 रुपए का किराया चुकाना होगा। खबर है दोस्तों, एक महीने बाद और महंगा हो जाएगा लखनऊ का सफर, क्योंकि 4 जगह और अब आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा।
बरेली से सीतापुर होते हुए लखनऊ तक पहुंचने के लिए अभी 3 जगहों पर ही टोल टैक्स लगता है, लेकिन फिर आपको टोटल 7 जगहों पर टोल टैक्स लगेगा। ये नए टोल टैक्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई इसीलिए। और भाई देखिए, हाथरस से एक ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही, 10 महीने से बंद पड़ी प्रयोगशाला, खून वगैरह की जांच भी नहीं हो रही है। बड़ी खबर देखिए, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डार्क स्पॉट्स वाले स्थानों पर लगाई जाएगी स्ट्रीट लाइटें। एक सप्ताह तक चलेगा ये अभियान। इसके लिए 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। और वही खबर है दोस्तों, सोनभद्र में 170 करोड़ साल पुरानी ग्लूकोनिक पोटास वाली चट्टान मिलने का दावा किया जा रहा। मिले पत्थर के मानव निर्मित वस्तु के सबूत भी। अच्छा, प्रदेश के 19 पीसीएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया योगी सरकार की तरफ से, इसकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। किसानों के लिए अपडेट है, गन्ना पेराई सत्र शुरू होने से पहले चीनी मिलों द्वारा गन्ना भुगतान में तेजी लाई जाएगी, ये कहना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का। अच्छा, प्रयागराज में लगेगा 3200 हेक्टेयर में दुनिया का सबसे बड़ा मेला। प्रयागराज के संगम तट पर 2025 में महाकुंभ का आयोजन होगा और इसको लेकर अफसरों की बैठक में रणनीति अभी से बनानी शुरू कर ली गई है। अच्छा, खबर देखिए, रूस और चीन पर भारी पड़ेगी हमारी देशी तकनीक। अब उत्तर प्रदेश में बनेगी गन पार्ट्स, कैपिटल एयर गन कंपनी करेगी 100 करोड़ रुपए का निवेश। मेड इन इंडिया डिफेंस के हथियार अब आपको देखने को मिलेंगे जो कि उत्तर प्रदेश में बनेंगे, है ना। और हाँ दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के उत्तर प्रदेश के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और आपसे भी एक दरख्वास्त है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर देना। चलिए मौसम की बात करें तो देखिए, लखनऊ कानपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल काफी खराब रहेगा। आज और कल बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अब बारिश धीरे धीरे थमेगी और प्रदेश में 1 अक्टूबर से गुलाबी ठंड भी दस्तक दे देगी। कहीं तेज बारिश हो रही तो कहीं उमस का मौसम भी देखा जा रहा। ये देखिए आप पूरी लिस्ट अगले 24 घंटों के दौरान किन किन जनपद में बारिश के आसार हैं। अगले 2-3 दिन बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप भी सावधान रहिएगा। शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर में भी बारिश हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ने लिख करवट, दिन में ही अंधेरा छाया रहा। प्रदेश में डेंगू भी खतरनाक होता जा रहा। टोटल 5,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। सावधान हो जाइए दोस्तों, बिना बुखार तेजी से घट रहे लोगों में प्लेटलेट्स, लीवर फेल होने से लोगों की जान भी जा रही है। और स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों ने भी चेताया है, मच्छरों से जितना हो सके बचाव करें। देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अस्पताल में भी डॉक्टरों की हड़ताल का 3रा दिन रहा। ओपीडी में घंटों इंतजार के बाद भी मरीजों को निराशा हाथ लगी। वेटिंग हॉल तक फुल भीड़ दिखाई दी, आप देख सकते हैं तस्वीरें। और गोरखपुर में 22 सीएचसी पर लगाया गया आयुष्मान मेला। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की देखरेख में बीमारियों की जांच हो रही। 5-5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा आयुष्मान भारत कार्ड बनने के बाद। वाराणसी में देखिए, डेंगू का संक्रमण बढ़ रहा, मरीजों का आंकड़ा 120 के पार पहुंचा। आगरा में भी डेंगू मलेरिया के बाद अब चिकनगुनिया ने दस्तक दे दी है। 13 साल के एक बच्चे में चिकनगुनिया की पुष्टि हुई, 4 साल बाद पहला रोगी मिला। बलिया में डेंगू और स्क्रब टाइफस के नियंत्रण के लिए लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी है। डीएम ने कहा कि लापरवाही करने पर बड़ी कार्यवाही की जाएगी। सफाई निरीक्षक को जिला अधिकारी ने फटकार भी लगाई। अच्छा, वहीं फिरोजाबाद में भी देखिए, जिला संयुक्त चिकित्सालय में बुखार के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हर रोज 1,000 से 1,500 मरीज आ रहे हैं। अव्यवस्था होने के कारण पैथोलॉजी पर पुलिस फोर्स भी तैनात करनी पड़ी, ये हालात हो गए हैं। हाथरस में भी डीएम ने संचारी रोग नियंत्रण को लेकर बैठक की और जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डेंगू मलेरिया की जांच कराई जाए, ये निर्देश भी जारी किए। और एक अच्छी खबर ये आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हर गांव में फ्री होगी बीपी शुगर की जांच। अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया। यूपी में गांधी जयंती के मौके पर प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में आयुष्मान सभा का आयोजन होगा और यहीं पर हर पंचायत में इस दिन ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर, डायबिटीज वगैरह सबकी जांच मुफ्त की जाएगी। और 5-5 लाख रुपए का बीमा स्वास्थ्य योजना का फायदा लेने के लिए अभी तक भी आपने आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया है, तो आप जरूर पीएमजेएवाई के लिए अप्लाई कर दें और आपका आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लें, है ना। और वही खबर है, लंपी वायरस के चलते फिर से पशु हाट के संचालन पर रोक लगा दी गई। पशु हाट स्वामियों ने विरोध जताया, बोले जिले में एक भी केस नहीं है, फिर क्यों रोक लगाई। फिरोजाबाद में ये पशु हाट लगने वाला था शनिवार को कृषक इंटर कॉलेज में, लेकिन प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। अच्छा खबर है, अंबेडकर नगर मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ ट्रामा सेंटर। 10 साल बाद शुरू हुआ 30 बेड का सेंटर, मरीजों को राहत मिलेगी। बड़ी खबर देखिए, राम मंदिर निर्माण के लिए 100 दिन की समय सीमा तय की प्रशासन ने। अयोध्या में रोज आएंगे 3 लाख श्रद्धालु। 5 और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग किनारे 40 एकड़ में पार्किंग बनाया जाएगा। वहीं मथुरा में देखिए, राधा रानी के प्रकट उत्सव की धूम देखी गई। मंदिरों में किया गया राधा रानी का अभिषेक, बधाई देने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और अयोध्या में डीएपी यूरिया की किल्लत से किसान भाई लोग परेशान। किसान संघ के पदाधिकारी बोले, अधिक मूल्य पर बेच रहे दुकानदार, कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। 207 घंटे का स्वच्छता का अखंड अभियान हुआ शुरू। 2 अक्टूबर तक दिन रात होगी सफाई, एक शिफ्ट में लगेंगे 100 सफाई कर्मचारी। कानपुर से इसकी शुरुआत हुई है। बलिया के बांस डीह विधायक ने वितरित किया स्मार्ट कार्ड, बोले आयुष्मान कार्ड से गरीबों को मिलेगी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं। प्रशासन का आदेश, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण दिवस का आयोजन किया गया। कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण
सर्वेक्षण 30 सितंबर तक जांच की जाएगी। खबर है 275 करोड़ रुपए से उत्तर प्रदेश के सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की योजना बना ली है योगी सरकार ने। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से एग्जीबिटर्स गदगद हुए, बोले पहली बार हमें ऐसी सुविधाएं मिली है, सीएम योगी को धन्यवाद भी दिया। प्रधानमंत्री का स्वागत करने वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि कैसे बनना है एक जागरूक प्रतिनिधि, ये प्रेरणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती है हमें। खुले जीप में मोदी योगी महिलाओं के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आए, वाराणसी में कुछ यूं दिखा सीएम पीएम का साथ में अंदाज, माताओं बहनों की बड़ी इज्जत के साथ दोनों ने स्वागत किया। सीएम योगी ने कहा पिछले 9 सालों में मोदी कार्यकाल में देश ने देखी नई कार्य संस्कृति, हर क्षेत्र में हुआ अद्भुत विकास। राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्रेज, इस शहर में छाई बुलडोजर वाले बाबा की टी शर्ट, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। वाराणसी के गंजारी में पहुंचे थे पीएम मोदी सीएम योगी, जनता ने जमकर उनका अभिवादन किया। अच्छा बड़ी खबर है, अब उत्तर प्रदेश में स्मार्टफोन यानी मोबाइल फोन खरीदना और आसान होगा। होम क्रेडिट इंडिया की तरफ से एक खास प्लान पेश किया गया जिसमें वीवो ओप्पो शाओमी रियलमी आदि के फोनों के साथ साझेदारी करते हुए 0% ब्याज दर पर आपको ईएमआई पर फोन उपलब्ध हो जाएंगे। अच्छा गाजीपुर में विद्युत विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान, विद्युत विभाग उपभोक्ता के द्वारा अभियान के तहत 300 से ज्यादा उपभोक्ताओं के घर के बाहर मीटर लगाए गए। यूपी के इस जिले के 200 गांवों में कोई भी किसी भी कब्जा कर ले रहा जमीन, भू नक्शे भी गायब नजर आए। उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के 200 गांवों में किसी की जमीन कोई कब्जा ले रहा, विवाद काफी बढ़ते जा रहे। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रशासन को सख्त हिदायत और आदेश जारी किया गया कि ऐसे सभी लोगों पर कार्यवाही की जाएगी। खबर देखिए, विद्युत कनेक्शन देने के लिए रिश्वत मांगी, मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर शिकायत की तो अवर अभियंता को निलंबित कर दिया, लखनऊ का मामला है। देखिए यूपी में पहली बार बनाए जाएंगे कारतूस, गन पार्ट्स ट्रेड शो में एमओयू हुआ, इस तरह का स्वदेशी पिस्टल देंगी रूस और चीन को मात। उत्तर प्रदेश में अब फर्जी तरीके से राशन लेने वालों पर भी योगी सरकार बड़ी कार्यवाही करेगी, इसको लेकर सख्त आदेश जारी कर दिया। एटा की जवाहर विद्युत तापीय परियोजना में बिजली उत्पादन हुआ शुरू, 1320 मेगावाट की क्षमता, पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था शिलान्यास। अच्छा खबर है, यूपीएसएसएससी में अब कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक के कुल 5512 पदों पर होगी भर्ती, जिसमें अलग अलग पोस्ट की डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 12 सितंबर से इसके आवेदन भरने शुरू हो चुके हैं जो कि 10 अक्टूबर तक भरे जाएंगे, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी खबर है, एक्शन में यूपी सरकार, इन स्कूलों पर लगेगा 1,00,000 रुपए का जुर्माना, अगले महीने से शुरू होगा अभियान। दरअसल ऐसे स्कूल जो उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता या मान्यता रद्द किए जाने के बाद भी संचालित किए जा रहे हैं, ऐसे स्कूलों पर योगी सरकार ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा स्कूल प्रशासन के ऊपर। बरेली में भारी बारिश के चलते 8वीं तक के स्कूल आज और कल बंद रहे, आज भी बंद रहेंगे। सुबह से दोपहर तक हुई बारिश, सड़कों पर भरा पानी, देख सकते हैं आप ये कुछ तस्वीरें। 2 दिन ऐसा ही रहने वाला है मौसम, पहली से 8वीं तक के स्कूलों को इसलिए बंद किया गया है ना। खबर है, अटल आवासीय स्कूल में बेसहारा बच्चों को मिलेगी क्वालिटी एजुकेशन, पीएम मोदी ने जो 18 स्कूलों का उद्घाटन किया, इस दौरान बच्चों से ऑनलाइन बातचीत भी की है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, आपके जिले का नाम लिखिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसे ही काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।